तो दोस्तों मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था OnePlus की तरफ से आने वाले OnePlus 10 Pro के बारे में, जो कि अभी चाइना में रिलीज हुआ और बहुत ही जल्द इंडिया में और ग्लोबली भी लॉन्च होने वाला है। उसके बारे में डिटेल में आपको देखना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो जो मैंने उस पर बनाई थी, और थैंक यू, उस पर 16,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं, तो थैंक यू सो मच। पर भाई यहाँ पर 10 Pro अभी तक लॉन्च हुआ नहीं, और 10 Ultra एक उससे भी ज़्यादा दमदार, उससे भी बड़ा फ्लैगशिप फ़ोन OnePlus जो है अंदर ही अंदर प्लान कर रहा है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में लॉन्च करने का, और उसकी काफ़ी सारी डिटेल में खबरें आ गई है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं टेकाल है, और मैं आपको स्वागत करता हूं इस चैनल की ब्रांड न्यू वीडियो में। और हमेशा की तरह भाई ऑब्वियसली कुछ एक्सक्लूसिव और कुछ मस्त न्यूज मैं लेकर आया हूं, और इस बार है OnePlus 10 Ultra के बारे में। अब इसको अल्ट्रा कहेंगे और ये बेसिकली प्रो के भी ऊपर एक वेरियंट होगा। ये बेसिकली OnePlus का एकदम फ्लैगशिप के ऊपर वाला फ्लैगशिप ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, जो कम्पीट करेगा बेसिकली जो 13 Pro है एप्पल की तरफ से, और उसके अलावा सैमसंग के गैलेक्सी जो S22 Ultra वगैरह जो लॉन्च होगा उसके साथ करने का सोच रहे हैं ये लोग। और यहां पर भाई मतलब 10 Pro पे ऑलरेडी ये लोग ने बहुत कुछ डाल दिया है, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या करने वाले हैं? तो भाई परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे क्योंकि वो बहुत बड़ा एक जंप होने वाला है। यहां पर ये लोग स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 तो देंगे, जो कि बना होगा TSMC के 4 नैनोमीटर प्रोसेस के ऊपर। उसके अलावा भाई यहां पर एक न्यू चिप हमें देखने मिल जाएगी, जो हमें पहले ओप्पो के फोन में देखने मिल चुकी है, जिसका नाम है मारी सिलिकॉन एक्स। और भाई ये बहुत बड़ी न्यूज है क्योंकि जो ये मारी सिलिकॉन एक्स है बेसिकली इसके अंदर एक अपना न्यूरल प्रोसेसर है जो कि इमेज प्रोसेसिंग के अंदर काम आता है। तो बेसिकली इस प्रोसेसर के अंदर अपना एक ISP है, यानी कि इमेज सिग्नल प्रोसेसर, और ये क्या इनेबल करता है कि और बेटर जो है फोटोग्राफी को प्रोसेस करने के लिए बेसिकली पूरा अलग से प्रोसेसर को मेहनत करने की जरूरत नहीं, अलग से पूरा चिप है जो कि सिर्फ मोस्टली ऐसे जो भी AI वाली फंक्शनैलिटीज है और इमेज प्रोसेसिंग वाली फंक्शनैलिटीज है उसको हैंडल करेगा। तो डेफिनेटली भाई क्वालिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंप लेने वाली है। उसके अलावा भाई यहाँ पर Hasselblad की पार्टनरशिप हमें अभी भी देखने मिल रही है, और क्योंकि ओप्पो अपना एक सिलिकॉन दे रहा है OnePlus को, तो OnePlus ने दिया है अपना Hasselblad पार्टनर ओप्पो को, और उनके आने वाले जो फाइंड X5 या जो भी सीरीज है उसमें Hasselblad की पार्टनरशिप देखने मिल जाएगी। बाद में अगर आपको और बताऊँ मारी सिलिकॉन के बारे में, तो भाई क्लेम्स ये कहते हैं कि जो नाइट शॉट है और जो नाइट फोटोग्राफी है काफी ज्यादा इंप्रूव करने वाला है OnePlus अपने 10 Ultra में। और भाई ये 10 Ultra सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में आएगा, ये काफी ज्यादा रिलायबल सोर्स है योगेश ब्रार नाम से, जो कि काफी मतलब रिलायबल पहले भी अपने टिप्स दे चुके हैं। ये कहते हैं कि OnePlus 10 Ultra जो है ऑलरेडी इंजीनियरिंग वैलिडेशन फेज में है, यानी EVT उसे कहा जाता है, इंजीनियरिंग वैलिडेशन टेस्ट वाले फेज में है, और ये मतलब है कि बस डिजाइन और स्पेसिफिक जो है फाइनलाइज हो रहा है और मतलब ऑलरेडी अंडर द वर्क्स और गारंटीड ही है आने का। देखते हैं इसमें क्या आएगा एग्जैक्टली, क्योंकि पहले ये लोग ने कहा था कि OS वाइज OnePlus 10 पूरी सीरीज में हमें एक यूनिफाइड OS देखने मिलेगा, यानी कि Oppo का कलर OS और ऑक्सीजन OS जो OnePlus का था उसको हटा के एक यूनिफाइड जो दोनों में देखने मिलेगा। अब इसका नाम ये लोग क्या रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा तो मामला मतलब रायता फैला दिया है, OnePlus 10 Pro चाइना में लॉन्च कर दिया है जिसमें ओनली कलर OS डायरेक्ट देखने मिलता है, मतलब उस पर कोई स्किन भी नहीं चढ़ाई, पर जो ग्लोबल वेरिएंट है उसमें मोर ऑर लेस हमें ऑक्सीजन OS वाली स्किन देखने मिलने वाली है, जो कि अंदर ही अंदर कलर OS रहेगा पर ऊपर से दिखने में आइकॉन्स वगैरह जो हैं और थोड़े मेन्यूज वगैरह OnePlus के ऑक्सीजन OS वाले रहेंगे। तो देखते हैं इनका ये यूनिफाइड OS वाला जो प्लान था वो कब ये लोग लॉन्च करते हैं। पर भाई 10 Ultra की काफी बड़ी न्यूज है और इसकी प्राइसेस भी अल्ट्रा होंगी, तो डेफिनेटली 70,000-80,000 से फोन जो है चालू होंगे। और भाई देखने की सबसे मजेदार बात यही है कि कैसे कंपीट करेंगे सैमसंग के आने वाले S22 Ultra से और आने वाले iPhone 14 से, हालांकि वो भी सेकंड हाफ सितंबर तक आएगा। इनका जो OnePlus का है मोर ऑर लेस जून के आसपास ये लॉन्च कर सकते हैं 10 Ultra को। अब भाई यहाँ पर डिजाइन वगैरह है, पेटेंट्स वगैरह काफी OnePlus ने फाइल किए डिजाइन के, जो कि काफी हद तक दिखने में Samsung S21 Plus की तरह लगता है जो लास्ट ईयर का इनका था, वही जो बॉर्डर से आती हुई एक इनके कैमरा बम्प। तो देखो क्या होता है इनका डिजाइन और क्या होती है मेन प्राइसिंग, काफी ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज थी, सोचा आपको वीडियो बनाकर एक अपडेट दे दूं। और भाई आप क्या लुक फॉरवर्ड कर रहे हो गया ये अल्ट्रा वाले भी एक फोन OnePlus की तरफ से जो ऑफरिंग आने वाली है उसकी, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। भाई ये वीडियो अगर आपको देख के मजा आया तो लाइक जरूर ठोक के जाना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबा के, उसके बगल में दबा दो नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको ऐसी कुछ कमाल धमाल एक्सक्लूसिव न्यूज जो है मिलती रहे लेटेस्ट आने वाले टेक्नोलॉजी के बारे में। उसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में।